हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दिलीप इलाहाबाद ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हमारे घर पर एक कूलर रखा हुआ है जो कि सन 2011 मॉडल का कूलर है। और ये कूलर हमारा ये 40 वाट का कूलर है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम लोग भाई लोग रहते थे, जब इफ्को हम लोग रहते थे, फुलपुर इफ्को में, प्रयागराज के फुलपुर इफ्को हम लोग रहते थे और पढ़ाई करते थे, वहां पे रहते थे, तैयारी वगैरह करते थे, तो तभी वहां पे ये हम लोगों को गर्मी बहुत लगती थी। तो वहां पे हमारा एक दोस्त था जो कि मनीष यादव नाम का एक आजमगढ़ दोस्त आजमगढ़ का था, और उसके भैया भी पुलिस में थे और वो भी साथ में रहता था। और वो इस समय बता नहीं सकते कहाँ पे, शायद घर पे ही है मनीष भाई। तो उन्होंने ही हमको ये गिफ्ट किया था कूलर, वो गिफ्ट में किया था, जबकि उस समय का रेट ये था 2600-2700 रुपये का था समथिंग। तो वही कूलर है, इस समय रखा हुआ है हमारे यहाँ, और ये अभी चालू हालत में है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये कूलर को, और कूलर ये काफी गंदा हो गया है, और इस कूलर को मैं इसलिए अब तक चलाते आ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे फ्रेंड का गिफ्ट था। 2011-12 का है ये, क्योंकि हमारे फ्रेंड का गिफ्ट था, इसलिए मैं अब तक चला रहा हूँ। तो क्योंकि इधर से तार अभी टूट गया था जो इसको चला रहा हूँ, तो वैसे अंदर रूम में तो पंखे चलाता हूँ, लेकिन ये फ्रेंड का गिफ्ट था इसलिए मैं यहाँ पे इसको रखा हूँ, सो में रखा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड की यादें हैं। तो गंदा भी हो गया, तो वही सोच रहे हैं कि कभी कभी दोपहर में कहीं से आते हैं तो थोड़ा हवा वाले भी ठीक रहेगा। और उसके बाद इसका वाट भी बहुत कम है, 40 वाट का है मात्र है। तो इसको चलाने के लिए सोच रहा हूँ, तो सोच रहे हैं इसको पहले सफाई कर देते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं हम कि किस तरीके से सफाई किया जाता है इसका, तो हम सफाई करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं कि कूलर चल रहा है, ये देखते हैं, शायद इसमें लाइट तो नहीं होगी, यहाँ पे लाइट तो नहीं है, ये तो बैटरी से चल रहा है। वैसे तो ये कूलर चलता है, ये तो कहिए आप लोगों को मैं अंदर चला के उस सारे कमरे में दिखाता हूँ, ये चलता हूँ। तो आगे चल के थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये कूलर चल ही रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, ये कूलर चल गया, अभी ये हवा दे रहा है, ये देख सकते हैं ये कूलर चल गया है। आप बंद करते हैं और आप लोग दिखाते हैं साफ करके। आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से कूलर को खोला जाता है। ये फर्स्ट इसका ये वो यहाँ पकड़ने के लिए है, और इस तरीके से इसको खोलते हैं, ये इस तरीके से ये है इसका। अब इसको इधर रख देते हैं, और ये दूसरा वाला इधर से खोलेंगे हम, इधर से इसको खोलेंगे दूसरे वाले को, और इसको इधर रख देंगे हम, और इधर ये तीसरा वाला खोलेंगे, तीसरा, और उसको ये इसका पानी वानी क्या है, ये मोटर लगा हुआ है, पानी फूकता है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसको ये इस तरीके से रख देंगे हम। इसको भी निकाल लेते हैं क्योंकि भूलना है हमको इसको। बाद में इसको जोड़ देंगे, इसमें कर देंगे, इसको खोल दिए दोस्तों, ये है। और देख सकते हैं आप लोग, इसमें ये इसका मोटर है, ये पानी वाला जो कि गंदा हो गया है, शायद वर्किंग कर रहा है लेकिन हमने इसको ध्यान नहीं दिया। और इसका ये मोटर है जो कि बहुत छोटा मोटर है, बहुत तेज हवा देता है, 40 वाट का ही मात्र है बताया गया है, जो कि जहाँ पे मैंने खरीदा था उन्होंने बताया था कि 40 वाट का है ये मात्र, वैसे लगता भी है छोटा मोटर है, 40 वाट का लगता है। और आप लोग पूरा देखिए पास से, आप लोग किस तरीके से है, इसलिए देखिए आप लोग, ये इसका फैन है, अभी मैंने आप लोग चला के भी दिखाया,
और ये इसका कंडेंसर है जो कि लटक गया है, कहाँ पे रखा जाता हमको पता नहीं है, ये कहीं रखा जाता होगा, इसको यहाँ चिपका देंगे हम। तो दोस्तों आइए चल इसको हम साफ करके पहले देखते हैं, अंदर ले चलते हैं, साफ करेंगे उसके बाद ले आके लगाएंगे। और दोस्तों इसमें कंडेंसर भी टूटा है, तो कंडेंसर को भी हम टेप से लगाते हैं, कंडेंसर को भी वहां सेट करेंगे और पूरे कूलर को सफाई करेंगे अच्छे से। इधर टेप रखा हुआ है, ये टेप है अपने पास, टेप को हम लगा देते हैं। ये किस तरीके से लगा था हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको अपने तरीके से लगाने चल रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मैं स्टिकर को लगा रहा हूँ,
इस तरीके से स्पीकर अगर कंडेंसर अगर फैन आए इस तरीके से कूलर हो कंडेंसर में अगर हो तो टूटा हुआ इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ये टेप मैंने लिया हूँ, रेड टेप बहुत अच्छा है, मोटा टेप है, अच्छे क्वालिटी के है, लगा लिया हूँ, चलेगा कुछ देर। लग गया टेप, आप लोग देख सकते हैं कंडेंसर में। और इसके बाद हम इसमें इसको लगाते हैं, पानी भी गिर रहा है, लगा देते हैं। एक लगा को दूसरा लगाएंगे इस तरह, तीसरा भी लगा देते हैं इस तरह। इसका ये लगा हुआ था तो ऐसे इस तरीके से लगा सकते हैं आप लोग। फिर ऐसे इसको हिसाब से रखी मार देंगे, ये कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से इसको अंदर बांध देंगे। अब देखते हैं कहीं घर में कोई कपड़ा वगैरह होगा तो इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। ये कपड़ा है इसको साफ करते हुए, और इस तरीके से साफ करेंगे। मैं साफ करती हूँ दोस्तों, इधर आगे भी इस तरह के साफ कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको साफ करती है, आप लोग अब देख सकते हैं। फिर से मैं कूलर को लगा के दिखा रहा हूँ कैसे चल रहा है। अभी कैसे एक बार लगा के देखते हैं फिर से। और आप लोग देख सकते हैं हमारे घर पे लाइट नहीं, लाइट कट गई है, मेरी बैटरी से चल रहा है इन्वर्टर से, जी मैं लगा दे रहा हूँ, चल गया आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ठंडा हवा दे रहा है तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से कूलर की सफाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस समय लॉकडाउन भी वैसे चल रहा है तो मैंने सोचा कि कूलर ही साफ करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तरीके से साफ किया जाता है तो कूलर बहुत गंदा नहीं हो गया था तो कूलर को उसको साफ मैं कर दिया हूँ। अब इसको वहां पर बड़े स्थान पर रख देता हूँ जहाँ पे रहता है। अब दोस्तों ये साफ कर लिया है कि लाइट तो वैसे बढ़ गई है, कुछ साफ दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा ये कूलर की सफाई। और आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल वाली घंटी को भी दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।